ज्वालामुखी मंदिर के साथ लगते नाले में जंगल से एक सांभर के बच्चे को घायल अवस्था में युवाओं ने बचाया और उसे वन विभाग कर्मियों के हवाले कर दिया। आज सुबह ज्वालामुखी मंदिर के नीचे बने नाले में दुकानदारों ने एक घायल सांभर को नाले में करहाते हुए देखा तो इसकी सूचना वन विभाग कर्मियों को दी। वन विभाग कर्मी सुरजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर युवाओं की सहायता से घायल सांभर को बाहर निकाला और उसे एक पिंजरे में डालकर ज्वालाजी अस्पताल पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर सांभर का इलाज कर रहे हैं। वन कर्मी सुरजीत सिंह ने बताया कि सांभर के बच्चे को बेहतर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया है और इसके ठीक होने के बाद इसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर सुरजीत सिंह, ज्वालामुखी प्रभारी में, आज ना 21/12/2022 आज एक ककड़ का बच्चा जंगल से नीचे ज्वालामुखी मंदिर के बाहर नाले में जो घायल अवस्था में स्थानीय लोगों और साजन द्वारा इनको घायल अवस्था में इनको मिला, जो इन्होंने हमारे पास कर दिया है, उसको मैं वेटरनरी हॉस्पिटल में करवा के दोबारा सही हालत में ठीक होने के बाद दोबारा जंगल में छोड़ दिया। और इन लड़कों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने में मदद की। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह।